नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए। ये हैं मिजोरम के चम्फाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेडार थियाम संगा। अक्सर एमपी एमएलए दूसरी वजहों से चर्चे में रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है कि सोशल मीडिया पे सुर्खियां बने हैं। दरअसल पेशे से ये डॉक्टर हैं और 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट के टिकट पे चुनाव लड़े और कांग्रेस के तत्कालीन विधायक टीटी जोथान संगा को हराया और फिलहाल वो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। और डॉक्टर तो वो हैं ही, खास तौर से प्रसूति एवं स्त्री रोग में इनको विशेषज्ञता हासिल है। ये हाल में गए थे अपने क्षेत्र चम्फाई उत्तर का दौरा कर रहे थे। कोविड-19 की स्थिति और हाल में भूकंप की वजह से हुई क्षति का जायज़ा लेने पहुँचे थे। वहीं पे एक दूर दराज का गांव है नगूर, वहाँ की रहने वाली 38 वर्षीय लाल हमंगा ई हसंगी महिला जो है अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। महिला को काफ़ी रक्त स्राव हो रहा था, उसकी स्थिति नाजुक थी। चम्फाई जिले के चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पे थे और महिला जो है 200 किलोमीटर दूर आइजल जाने की स्थिति में नहीं थी। ये वाकया है 10 अगस्त का, जब उनको लोगों ने वहाँ पे बताया कि ऐसे ऐसे महिला की स्थिति है, तो वो तत्काल अस्पताल पहुँचे जहाँ पे कि महिला को ले जाया गया था और वहाँ पे आपात सर्जरी करके महिला को प्रसव में मदद की। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करना उनकी ड्यूटी है। और एक बात ये भी बता दें कि पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसके पहले भी जून महीने में वो तब सुर्खियां बने थे जब भारत म्यांमार सीमा की रक्षा में तैनात रहने वाले एक बीमार सुरक्षाकर्मी का इलाज करने के लिए वो नदी पार करके, कहते हैं कि उस नदी को उन्होंने तैर के पार किया था, कई किलोमीटर तक पैदल चल करके वहाँ पहुँचे थे और उस सुरक्षाकर्मी का उन्होंने इलाज किया था। अब इसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि सोशल मीडिया पे ये चर्चा हो रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि एमपी हो या एमएलए हो कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सेवा भाव हो, ये ना अकड़ रहे कि वो एमपी है या एमएलए है। अक्सर जब भी एमपी एमएलए सुर्खियों में आते हैं तो या तो फीता काटते हुए उद्घाटन करते हुए या लोगों को संबोधित करते हुए या किसी क्राइम को लेकर के सुर्खियाँ बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सुर्खियाँ बन रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।